दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो की X80 सीरीज़ के बारे में। अब ये सीरीज़ इंडिया मार्केट में आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाली है। वैसे तो दोस्तों ये सीरीज़ जो वो चाइना मार्केट में 25 अप्रैल को ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई है वीवो की तरफ से, बट यहाँ पर इस सीरीज़ में आपको टोटल दो ही स्मार्टफोन जो वो देखने को मिलने वाले हैं। जो पहला स्मार्टफोन होगा वो होगा वीवो का X80 एंड जो सेकेंड स्मार्टफोन होगा वो होगा वीवो का X80 प्रो। जो यहाँ पर तीसरा स्मार्टफोन आपको अधिकतर देखने को मिलता था एक्स सीरीज में प्रो प्लस वाला, वो इस बार वीवो ने लॉन्च नहीं किया चाइना मार्केट में। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि या तो वो सीधा इंडिया मार्केट में पहले लॉन्च किया जाए उसके बाद चाइना मार्केट में लॉन्च किया जाए, बट फिलहाल तो आप दो ही स्मार्टफोन कंपनी पकड़ के चलिएगा इंडिया मार्केट के लिए, वीवो X80 एंड वीवो X80 प्रो। अब इन दोनों के बारे में बताने वाला हूँ कि ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में आपको कब तक देखने को मिलेंगे, ग्लोबल मार्केट में कब लॉन्च किए जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को शुरू करने पहले आप सभी भाइयों से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोज़ रोजाना देखने को मिलती रहती है। अब पहले यहाँ पर स्मार्टफोन की कुछ स्पेक्स आपसे बताते हो, तो देखिए मेन चीज़ है दोनों स्मार्टफोन का प्रोसेसर। अब इन दोनों स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सिमिलर प्रोसेसर दिया गया, प्रोसेसर के मामले में कोई भी चेंज नहीं किया गया यहाँ पर वीवो की तरफ से। अब प्रोसेसर जो है ये 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, और ये मीडियाटेक का एकदम ब्रांड न्यू प्रोसेसर है। अब यहाँ पर अभी तक तो इंडिया मार्केट में इस प्रोसेसर के साथ में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया के अंदर पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि इस प्रोसेसर के साथ में आपको वीवो की X80 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो जो बाकी सभी स्पेक्स हैं वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फेरबदल देखने को मिलने वाला है, जैसे कि जो सेम स्पेक्स है वो यहाँ पर आपको कन्फर्म करा दूँ। डिस्प्ले का साइज यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन सिमिलर देखने को मिलेगा। जो वीवो का X80 है वहाँ पर आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एंड जो वीवो का X80 प्रो है वहाँ पर आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। दोनों स्मार्टफोन में आपको कोरिंग का गोरिल्ला 5 की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो दोनों स्मार्टफोन में आपको जो बैटरी है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वीवो के X80 स्मार्टफोन में 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी प्लस 80W फास्ट चार्जिंग, एंड जो वीवो का X80 प्रो स्मार्टफोन है वहाँ पर आपको 4700mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और वहाँ पर भी वही सेम 80W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। बट कमाल की बात यह है कि X80 प्रो स्मार्टफोन में आपको 50W का वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी कमाल की स्पेक के साथ में आने वाले हैं। अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन की फुल स्पेक्स जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। अगर मैं दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेक्स इसी वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट मेन जो हमारा मकसद है वो है इसकी इंडिया लॉन्च के बारे में बात करना। तो देखिए यहाँ पर वीवो ने ऑफिशियली काउंटडाउन इसका स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 17 दिन कुछ घंटे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो 17 घंटे 21 मिनट यहाँ पर दिखा रहा था, तो आप मान के चलिए कि 18 मई को स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किए जाएंगे। बट जो दूसरा काउंटडाउन यहाँ पर आप इस समय देख रहे हैं ये 8 मई का है, जो कि ग्लोबल मार्केट में 8 मई को लॉन्च होने वाले हैं। अब देखते हैं कि इंडिया मार्केट में किस प्राइस सेगमेंट में ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि चाइना मार्केट में तो काफ़ी कम प्राइस पर लॉन्च किए गए हैं। बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया मार्केट में जब भी स्मार्टफोन लॉन्च किए गए थोड़ी सी यहाँ पर आपको ओवर प्राइसिंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स वगैरह लगने के बाद आप सभी जानते हैं कि ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाती है वीवो के स्मार्टफोन की। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियोस रोजाना देखने को मिलती रहती है। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।